दशमलव के वर्गमूल उदाहरण, स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखा। इस वीडियो में हम इससे जुड़े उदाहरण देखेंगे। एक दशमलव संख्या का वर्ग 210.25 है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वह संख्या कौन सी होगी? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सवाल को हल कर सकते हैं। मान लीजिए संख्या y का वर्ग बराबर 210.25 है, यानी हमें y का मान ज्ञात करने के लिए संख्या 210.25 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। इसे हम भागफल विधि से ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम दी गई संख्या के आसपास इस प्रकार रेखाएं खींचते हैं, फिर संख्या के ऊपर बार लगाएंगे। यहाँ पर दो भाग हैं, एक भाग में पूर्ण संख्या है और दूसरे में दशमलव संख्या है। पूर्ण संख्या में हम इकाई स्थान से शुरुआत करते हुए बाईं तरफ अंकों का युग्म बनाकर उन पर बार लगाते हैं। यहाँ तीन अंक हैं, इसलिए इस पर दो बार लगेंगे। दशमलव संख्या में बार लगाने के लिए हम दशमलव से शुरू करते हैं और दाईं तरफ अंकों का युग्म बनाकर बार लगाते हैं। यहाँ दशमलव के बाद एक ही बार लगेगा। अब वर्गमूल के पहले अंक के लिए हम वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे जिसका वर्ग सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या यानी 2 के बराबर या छोटा हो, क्योंकि 1 का वर्ग 1 है जो 2 से छोटा है, इसलिए वह संख्या 1 होगी। यह भागफल का पहला अंक होगा। 1 को भाजक और सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या को भाज्य मानते हुए इससे संख्या 1 के वर्ग को घटाएंगे और शेष फल ज्ञात करेंगे। यहाँ प्राप्त शेष फल भी 1 है। अब अगले बार के नीचे की संख्या को शेष फल के साथ लिखेंगे, इससे नया भाज्य होगा 110। अब नए भाजक के लिए हम 1 को 2 से गुणा करेंगे। प्राप्त संख्या के दाईं ओर एक रिक्त स्थान छोड़ते हुए नए भाजक के रूप में लिखेंगे। अब हम रिक्त स्थान के लिए वह सबसे बड़ा अंक ढूंढेंगे, मान लीजिए a, ताकि 2a को जब a से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल नए भाज्य से छोटा या उसके बराबर हो। जैसे कि यहाँ पर हमारा नया अंक 4 होगा, यह भागफल का दूसरा अंक भी होगा। अब हम शेषफल ज्ञात करेंगे। यहाँ शेषफल 14 प्राप्त हो रहा है। अब मूल संख्या की सारी पूर्ण संख्याएं समाप्त हो गई हैं और दशमलव संख्याएं बची हुई हैं। अतः हम भागफल में दशमलव लगा देंगे। इसके बाद अगले युग्म की संख्या को प्राप्त शेषफल के बाद लिखेंगे। यह हमारी नई भाज्य संख्या है। इसके बाद पुराने भाजक के इकाई की संख्या को 2 से गुणा करेंगे। प्राप्त संख्या 28 को नए भाजक के दाईं ओर एक रिक्त स्थान छोड़ते हुए लिखेंगे। हमें रिक्त स्थान को भरने के लिए वह सबसे बड़े अंक का अनुमान लगाना है जिसे जब नए भाजक से गुणा किया जाए तो गुणनफल नए भाज्य 1425 के बराबर या उससे छोटा आए। यह अंक भागफल में दशमलव के बाद का नया अंक होगा। यह वह अंक 5 होगा। इस तरह हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा और हमें संख्या का वर्गमूल 14.5 प्राप्त होगा। अतः y बराबर 14.5 है, यानी कि वह संख्या 14.5 है। अब इस त्रिभुज को देखिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 20.48 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की लंबाई और ऊंचाई बराबर x दी गई है। x का मान ज्ञात कीजिए। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सवाल को हल कर सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। इस त्रिभुज का आधार x है और इसकी ऊंचाई भी यहाँ हमें x दी गई है। इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना x की घात 2। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 20.48
48 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इस समीकरण को आगे हल करने पर हमें मिलेगा x का वर्ग बराबर 40.96। हमें यहाँ x का मान ज्ञात करने के लिए 40.96 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। आप यहाँ वीडियो को रोककर इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हमें संख्या 40.96 का वर्गमूल यानी x का मान 6.4 प्राप्त होगा। अतः त्रिभुज की ऊंचाई और उसके आधार की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर है। इस वीडियो में हमने दशमलव संख्याओं के वर्गमूल से जुड़े कुछ उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित एक मिथ्या धारणा देखेंगे। धन्यवाद।